डबरा में कोचिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में इमरती देवी का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें जांच पूरी होने से पहले ही इमरती देवी घटना को झूठा बता रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली है, जिसमें उन्हें मालूम हुआ है कि पूरा का पूरा मामला झूठा है। नहीं, ग्वालियर में एक काम है, मुझे नहीं पता, डबरा में भी उसका पूरा पता है, मैंने पूछा भी है और कल रात को उसका पूरा तहकीकात हुआ है, तो उसको बिल्कुल झूठा पाया गया है। लड़की अपने आप पुल पे से गिरी है और बच्चों थे, जब पुलिस ने जाके देखे तो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे थे, और 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, बड़े तो बच्चे हैं नहीं, वो बच्चे काय को लेके, एक किसी को ग्रामीण में जी चलाओ, किसी को फंसाने के लिए किसी को कोई लगा देती है, लेकिन ये पुलिस की तहकीकात इतनी अच्छी रही, पुलिस का इतना अच्छा काम रहा कि उन्होंने उजागर बात कर दी कि किसी पे कोई केस लगा। लेकिन इस मामले में डबरा सिटी थाने के TI का कहना है कि लड़की का बयान ले लिया गया है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हॉस्पिटल में भर्ती है ग्वालियर में, और रिपोर्ट किया कि मेरे कोचिंग के पढ़ने वाले दो लड़के जबरदस्ती मेरी मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए और सहराई पुल पर मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, मेरी चड्डी में हाथ डाला और मैंने मना किया तो मुझे पुल पर से जान से मारने की नीयत से फेंक दिया नीचे, जिससे मेरे पैर में और कमर में चोट आई। सर, क्या मामला दर्ज किया गया? रिपोर्ट पर से 376D 307 का अपराध पंजीकृत कर दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। हाँ, अभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां भेजी गई हैं। मामले की तहकीकात में आसपास के लोगों ने, कुछ लोगों ने सत्यता पर संदेह भी जाहिर किया, तो ये जांच का विषय है, इस बात की जांच की जाएगी। फिलहाल तो आवेदिका के आवेदन पर से अपराध पंजीकृत करके भेजना चाहिए। बता दें कि पीड़िता का अभी ग्वालियर में इलाज चल रहा है। अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि दो लड़कों ने उसे अगवा कर लिया था, विरोध करने पर उसे पुल के नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल, दुष्कर्म जैसे मामले में जांच पूरी होने तक नेताओं को ऐसे मामलों में बयान देने से बचना चाहिए। जांच जारी है, लेकिन इमरती पहले ही घटना को झूठा करार दे रही है। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।